मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के हल्ला बोल रैली से रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रायपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत कर महंगाई के मुद्दों को बताया। उन्होंने कहा कि आज देश भर में महंगाई बढ़ रही है, उससे आम जनता परेशान है। लोगों के आय में लगातार कमी होती जा रही है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती ही जा रही है, दोहरी मार जनता पर पड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता, लोगों का रोजगार छीन लिया गया, उद्योग विभाग व्यापार ठप पड़े हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जबान फिसलने को लेकर कहा कि कभी कभी जबान फिसल जाती है लेकिन उन लोगों ने सुधारा नहीं। राहुल गांधी को तो 1 सेकंड भी नहीं लगा, उन्होंने तुरंत सुधार कर लिया। फ्लो में बोल रहे थे, दूध के बारे में बात हो रही थी, उसके बाद आटे पर आए तो लीटर में बोल दिया, तो आप उनके पीछे ही पड़ गए। देश की मूल समस्या पर विपक्ष के नेता यदि कोई बात करते हैं तो आपको गंभीरता से उसका जवाब देना चाहिए, उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सुन रहे हैं ना, एक एक शब्द सुन रहे हैं। अरे तो उनके जो कहे हुए बात को तो मान लो, महंगाई बढ़ी हुई है, जनता परेशान है, कम से कम कम कर दो। राहुल गांधी तो 1 सेकंड भी नहीं लगा कि उन्होंने तुरंत सुधार लिया। फ्लो में बोल रहे थे क्योंकि दूध के बारे में बात हुई, उसके बाद आटा में आया और उसी को उसको भी किलो में बोल दिए, तो आप उसके पीछे पड़े। आपको देश के मूल समस्याओं के बारे में यदि विपक्ष के नेता यदि कोई बात कहते हैं तो गंभीरता से उसे जवाब देना चाहिए, उसका हंसी नहीं उड़ाना चाहिए।